साथ में वीडियो बनाओ 30 FPS के ऐसे ऐसे खड़े। मॉर्निंग यूट्यूब, क्या हाल है भाई सबके? उम्मीद है सब भाई अपने घर में सेफ है, सुरक्षित है, बढ़िया है और अपने घर वालों को कम परेशान कर रहे हैं ना। और तुम्हारा भाई अयाशी करो और मेरा सिस्टम कैडा। और बता दो भाई क्या हाल है भाई? सुबह के बज रहे 12 पर मेरी शक्ल पे नहीं बज रहे 12, क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठ गया था और नहा भी लिया। आज सुबह से उठ के मैं क्या करूँ भाई, कुछ भी नहीं कर रहा यार, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मैं बैठा हुआ हूँ भाई, मैं जस्ट बैठा, फोकस क्या आउट हो जाता है उसका। कल रात को ऑयलिंग करी थी, आज शैम्पू करा है। कल जाना है एक शादी में, मतलब मेरी स्कूल की फ्रेंड है तो उसकी शादी में जाना है, ज़रूर जाना है। और कल पूरे दिन व्लॉग नहीं आ पाया, एक शॉर्ट वीडियो डाली थी भाई, देख लेना, नॉर्मल थी वैसे तो, देखो ना देखो एक ही बात है, वैसे भी तुम कहीं देखते हो मेरी वीडियो। मार दिया टोंट। तो कल भाई, कल पूरे दिन स्क्रिप्ट लिख रहा था और कल से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, कल से शूटिंग भी स्टार्ट है और कल शादी में जाना है, देख रहे हो मतलब कितना बड़ा वाला सीन है। मेरे कपड़े यहाँ पे भी नहीं है, कपड़े दिल्ली में, तो वो भी लेके आने, प्लस गाड़ी भी ऑलमोस्ट ठीक हो गई है, वो भी लेके आनी है, तो मतलब बहुत सारा काम करना है इन 2 दिन में नंदी से जान को। समवन हेल्प मी प्लीज़, प्लीज़ हेल्प, कोई हेल्प कर सकता है तो प्लीज़ हेल्प कर दो। और भाई बहुत से कमेंट ये आ रहे थे, मतलब मैं देख भी रहा हूँ, बहुत से लोग बोल भी रहे हैं कि भाई वीडियो बना रहा है, क्या कर रहा है, कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। तो भाई अपना हर चीज़ का ना एक स्केड्यूल चल रहा है, मतलब अगर जो मेरी ये लेट आनी व्लॉग स्टार्ट हुआ ना, वो इसी वजह से चल रहा है, क्योंकि सुबह भाई भाई मैं कभी कभी उठता हूँ यार, मैं कभी कभी लेजी डे बनाता हूँ ब्रो, यहाँ लेटे लेटे भी उतना ही पैसा आ रहा है भाई जितना तुम घर बैठ के और 10 घंटे अपना काम करके कर रहे हो, समझ रहे हो ना? मैं बस उसे ही बोल रहा हूँ जो ये मेरी बात सुन रहा है और वो समझ रहा है, तो भाई समझ ले तरीके से, भाई बहन और जो भी है, बड़े बुजुर्ग जो भी है, तो अपना तो सही चल रहा है, क्या तुम सही कमा रहे हो अपना बताओ। मेरा छोड़ो, मतलब क्या है यार आजकल के लोगों में ये रहता है कि भाई अपने घर में चीनी ख़त्म हो जाए पर दूसरे का घर में कितनी चीनी आ रही है वो जरूर याद रखना है। भाई तो क्यों रख रहे हो, अपने काम से काम रखो भाई, हर बंदा आज की डेट में कमा रहा है और सही खा रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, भगवान की दुआ से किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। पर जो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, बेशर्म, बेहया और बेफालतू के, और जितने भी बेकार की चीज़ें होती है ना, वो सारे वही लोग हैं, क्योंकि उन्हें और कुछ भी नहीं करना होना, बस अपनी, जैसे मोहल्ले में हमेशा एक आंटी होती है, वो अपने छज्जे पर खड़े होकर देखती रहती है ना किसके घर में कौन जा रहा है, कौन घर से बाहर निकल रहा है, कौन किसके घर में क्या आ रहा है, और कौन रिश्तेदार कैसे जा रहा है, ऑटो से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, रिक्शा से जा रहा है, ट्रेन से जा रहा है, कैसे जा रहा है, उनको इन सब में ज़्यादा दिलचस्पी होती है। भाई जिसके मोहल्ले में ऐसी ऐसी आंटियाँ रहती हैं जिनको पता है कि वो, अच्छा वो आंटी ऐसे करती है, और मतलब एक गली में सब ऐसा एक बंदा होता ही है जिसमें, जो सबकी खबर रखता है, मतलब वो अब्दुल होता है, ठीक है, तेरा मेरा सबका फैजल ले, सबका बदला लेगा तेरा भाई फैजल। तो उसका नाम फैजल होता है, तो उसको सबकी खबर होती है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कर रहा है, 3:30 हो गए, लेटे लेटे कुछ भी नहीं करता, ठीक है। और अब जाऊंगा गाड़ी लेने, सबसे पहले गाड़ी लेने जाना है, गाड़ी लेने के बाद एक जगह और जाना है 74 की साइड मीटिंग में, वो कंप्लीट करने के बाद फिर बताता हूँ आगे का सीन क्या है, अभी के लिए बाय, ओके। और भाई अपने परेशान कम करो यार अपने घर वालों को, और अपने काम से काम रखो, दूसरे ही काम से नहीं, दूसरा तो कर रहा है क्या कर रहा है, तुम उसको देखते रहोगे तो तुम्हारा काम भी तो खराब हो रहा है ना बेटा, तो अपने काम पर ध्यान रखो, दूसरे को छोड़ दो, ओके। रात में वीडियो बनाओ 30 FPS की स्पीड पे कह रहा हूँ, उस पर 30 पे, क्योंकि फ़र्क ही आता है, और तबीयत हो रही है बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी जा रहा हूँ सेक्टर 40 की मार्केट में, कुछ काम है वहाँ पे, मतलब कुछ सामान वाल लेके आना है और कुछ खा के भी आ जाऊँगा, भूख लग रही है बहुत तेज, और मतलब ये चेस्ट और कोल्ड ना, दोनों चेस्ट एंड कोल्ड ना, बहुत ज़्यादा ऐसे हालत ख़राब हो रही है,
हद से ज्यादा हालत खराब हो रही है, पहले पहुंच जाऊं फिर आगे बात करता हूँ। तो भाई निकल गई अपने, फाइनली गाड़ी भी ठीक हो गई है, क्योंकि बाइक पे जाने में बहुत ज्यादा ठंड लगती है भाई हर चीज में। और एक बार यहाँ से जाके देखते हैं कि अगर रास्ता खुला हुआ है नहीं, क्योंकि यार एक तो पता है जो गली के कुत्ते नहीं होते यार उसके पिल्ले से हो जाते हैं, वो ऐसे घूमते हैं गाड़ी नीचे, अभी एक आ जाता है गाड़ी के नीचे बसते मरते मरते बच्चा, मतलब पता बोला भी नहीं जा रहा जुकाम के चक्कर में। ये देख लो भाई रास्ता देख लो एक बार कहाँ से निकाल ले बंदा, एक तो जरा सा तो रास्ता और ऊपर से इस बंदे ने यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, बताओ कहाँ से निकाल ले। अब बैक करके जाना पड़ेगा वापस तरीके से, एक बार बैक कर लूँ भी प्लान में थोड़ा सा चेंज, क्योंकि मैं गाड़ी खड़ी करके दोबारा से बाइक लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जाम बहुत है रोड पे और मुझे नहीं लग रहा कि निकल जाएगी, और मुझे अर्जेंट जाना, यानी कि मुझे 5 या 10 मिनट पहुंचना, और मैं 5-10 मिनट में नहीं पहुंच पाऊंगा, गाड़ी के लेकर तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि ऑफिस टाइम भी हो रहा है तो ऑफिस की भी छुट्टी होती है। इस वजह से पहले गाड़ी खड़ी करूंगा, फिर बुलेट उठाऊंगा, फिर बुलेट पे चलेंगे अपना। ओके, ऐसे ऐसे खड़े हुए बंदे गाड़ी लेकर, समझ रहे हो तुम, देखो कुत्ते ऐसे खड़े हुए भौंके जा रहा। हाँ हाँ, अबे नहीं मारा भाई, नहीं मारा, मैं आराम चला रहा हूँ यार, आराम चला रहा हूँ। हटे रे, कैसा घूर रहा, हट जा। तो ये रही भाई अपनी बुलेट, यार इसकी लाइट नहीं मिल रही, इसकी लाइट भी लगवानी है, बाकी साफ करो थोड़ी सी। काम के आ गए हो फाइनली, दवाई ले आया था चेस्ट एंड कोल्ड की, क्योंकि मेरे को पता है जुकाम और कोल्ड ही हो रहा है, जुकाम और कोल्ड एक ही बात होती है, मतलब मेरे सर में दर्द हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। तो और हाँ भाई एक चीज़ दे रही थी, अगर किसी को VIP नंबर चाहिए हो, नंबर है DBI 58, ठीक है, तो भाई बता देना दोबारा, भाई को सेल आउट कर रहा हूँ, किसी को भी चाहिए हो तो बता देना। और बाकी आज का ब्लॉग यही खत्म करते हैं, दवाई लेके सोऊंगा यार, खाना मेरा ऑर्डर करे थे दाल चावल तो आ जाएंगे, पावर नैप लग जाएगी और फिर खाना खा के फिर प्रॉपर सो जाऊंगा। और भाई एक वीडियो डाल दिए डेविड को, डेविड के ऊपर, और मेरा दिल ये पुकारे पाकिस्तानी चूतिया पा, तो वीडियो जाके देख लेना। अब खत्म कर रहा हूँ ब्लॉग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल, एंड प्लीज़ भाई दुआ कर लो तुम्हारे भाई की तबीयत खराब हो जाए, इसमें ब्लॉग प्रॉपर तरीके से बना पाऊँ। बाय।